हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ये मेरी जिंदगी। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन विथ अ 5 month ओल्ड बेबी। सो इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग और मैं और अभियान अभी उठ गए हैं एंड पहले मैं कुछ टाइम इसी तरह से उसके साथ स्पेंड करती हूँ एंड देन मैं अभी किचन आ गई हूँ और फर्स्ट आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड साइमल्टेनियसली मैं चाय भी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ बिकॉज आई लव वेकिंग अप माई हस्बैंड विद द कप ऑफ टी। Your pretty eyes make me smile and your little fists make me stay with you, eyelashes moving softly, little arms make me oh love you, ooh babe I love you so much. So I believe a healthy environment leads to a healthy life एंड सो डू आई फॉलो। मैं सबसे पहले अपना सोफ़ा काउच सबका अच्छे से आई क्लीन इट अप, तभी जाके मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ। Your pretty eyes make me smile and your little fists make me stay with you, eyelashes moving softly, little arms make me oh love you, ooh babe I love you so much, so much, ooh babe I wanna stay with you, with you. Your pretty eyes make me smile and your little fist. सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपना जल्दी जल्दी मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करके थोड़ा अभियान को लेके बाहर आ गई हूँ ताकि वो थोड़ा नेचर देखेगा तो उसका आई साइट इम्प्रूव होगा एंड देन ही गेट्स विटामिन डी फ्रॉम द सन रेज और उसको फिर अंदर लेके अभी मैं मसाज स्टार्ट कर दी हूँ। मसाज, सन रेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ग्रोइंग स्टेज ऑफ अ चाइल्ड ताकि उसका मसल्स, बोन्स सब बहुत स्ट्रांग बने। तो उस रीज़न से मैं ऐसा सब करती हूँ और इतना सब करने में ऑलमोस्ट 6:30 टाइम हो जाता है। तो 6:30 तक मैं इतना सब ख़त्म करने के बाद थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ बिकॉज अब मेरा हेल्थ भी ठीक रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि मैं उसको ठीक रख सकूँ। तो इसलिए फिर मेरा वर्कआउट मैं स्टार्ट करती हूँ एंड आई फॉलो लेस्लीज वर्कआउट फ्रॉम यूट्यूब। तो उसको मैं देख के अपना जितना भी हो पाता है मेरे से उतना कर लेती हूँ, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, क्योंकि उतना टाइम तक ही मेरे हस्बैंड देख पाते हैं क्योंकि फिर उसके बाद उनको रेडी होना रहता है एंड इतने के बाद मैं फिर अभी अपना मॉर्निंग बाथिंग रूटीन वो सब ख़त्म करके आ गई हूँ बेड बनाने के लिए, क्योंकि मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ क्लीनलीनेस। तो मैं सबसे फर्स्ट यही सब जिस दिन मतलब पहले अब थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है उस दिन थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन थोड़ा लेट हो जाता है। तो फिर मैं ये सब करके अभी अभियान को भी ऑलरेडी नहला दी हूँ और उसको नहलाने के बाद अभी उसको भी मैं रेडी कर दे रही हूँ ताकि हम लोगों का सब कुछ ऑलमोस्ट विद इन 7:30 सब ख़त्म हो जाए। मैं वही मतलब मेरा टारगेट रहता है ताकि फिर मुझे दिन भर और दूसरा सब काम करने के लिए भी अच्छे से टाइम मिल जाए। तो फिर अभी आ गई हूँ किचन एंड मैं ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर ली हूँ। इनको 8 o'clock बजे ड्यूटी जाना रहता है तो मैं जितना फास्ट हो सके बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट एंड इसी बीच ये भी अभियान थोड़ा रोने लगा तो उसको भी लेके आ गई। तो मैं हर दिन प्रेफर करती हूँ कुछ एक शेक बना लूँ, जैसे मिल्क शेक हो, किसी दिन एप्पल, किसी दिन मैंगो, वो डिपेंड करता है, किसी दिन कीवी का शेक, तो वो सब डिपेंड करता है एंड किस दिन कौन सा मूड है। साइमल्टेनियसली मैं जल्दी जल्दी चना एंड मूंग का थोड़ा सा कुछ हेल्दी सा चाट टाइप से बना ले रही हूँ। और मैं क्या क्या मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी अपना हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या क्या डाइट लेती हूँ अगर आपको जानना है देन प्लीज़ कमेंट मी बिलो सो दैट आई विल शेयर विथ यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।
तो अभी वो निकल गए एंड ऑफिस, और मैं थोड़ा सा इस टाइम, मतलब अभी 9 o'clock ऑलमोस्ट हो रहा है एंड मैं इस टाइम पे थोड़ा सा अपना कुछ कुछ पढ़ाई करती हूँ, और साथ में अभियान भी सोया नहीं है तो वो भी बैठ के मेरे पढ़ाई कर रहा है। Your pretty eyes make me smile and your little fists make me stay with you. Eyelashes moving softly, little arms make me oh love you. Ooh babe, I love you so much. एंड देखते ही देखते 11 बज गया, और अभी है थोड़ा गार्डनिंग टाइम क्योंकि इस टाइम बहुत धूप, मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, तो प्लांट्स को भी थोड़ा वाटरिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा अभियान को भी ले आती हूँ क्योंकि अभी भी वो जगा हुआ है, अब सुबह से जो उठा है अभी तक वो जग ही रहा है। एंड फाइनली अभी उसको लेके आ गई हूँ थोड़ा अंदर, अभी उसका स्लीपिंग टाइम है, थोड़ा देर अभी वो सो जाता है इस टाइम में। सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर लंच प्रिपरेशन। तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, बस चावल दाल बना लेती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भेज देती है सब्जी मेरे लिए। एंड अभी टाइम हो गया है लंच का, ऑलमोस्ट 1 o'clock। मेरे हस्बैंड आते हैं ऑफिस से और हम लोग लंच करते हैं साथ में। तो आज मम्मी ने भेजा है कटहल का सब्जी एंड भिंडी का भुजिया, और मैंने सलाद बना लिया था, और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना लंच। फिर मैं एक शॉर्ट नैप लेती हूँ, ऑलमोस्ट 1/2 hour to 1 hour, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो पावर नैप नहीं लेने से फिर मुझे हेडेक सब निकल जाता है। तो वो छोटे से पावर नैप के बाद अभी मैं जो कपड़ा सुबह दी थी सूखने के लिए, उसको मैं अभी इस टाइम में अंदर ले आती हूँ एंड फिर उसको फोल्ड करके रख लेती हूँ। अभी अभियान सो रहा है तो मैं तुरंत तुरंत ये सब काम अपना खत्म कर लेती हूँ। एंड फ्रेंड्स, इट्स नाउ ऑलमोस्ट 3:30 इन द आफ्टरनून, और अभी मैं बैठ के थोड़ा सा पॉट्स रेडी कर रही हूँ। ये जो सारे पॉट्स देख रहे हैं ये मैं अपने डेंटल क्लिनिक में लेके जाऊँगी, तो उसको थोड़ा अभी ट्रिम कर रही हूँ, मतलब लीव्स को, एंड थोड़ा ठीक कर रही हूँ। तो इस टाइम में मेरा इस तरह से बीतता है। एंड अभी अभियान, मतलब दोपहर में ऑलमोस्ट ही स्लीप्स फॉर टू एंड हाफ आवर्स ऐसा वो नैप लेता है। तो मुझे थोड़ा कुछ नोट्स बनाने थे तो अभी वही सब कर रहे। आई फील लर्निंग इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड इट्स एन एंडलेस जर्नी। और अभी मैं बाहर देख रही थी कि मतलब धूप खत्म हुआ कि नहीं, ताकि फिर मैं अभियान को लेके थोड़ा देर बाहर घूम लेती हूँ। उसका क्लिप मैंने लिया नहीं, और फिर अभी मैं आ गई हूँ कुछ इवनिंग का स्नैक्स बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ एग रोल, चटपट जल्दी जल्दी जो झटपट सा एग रोल होता है वही बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब किसी दिन मैं मखाना फ्राई करती हूँ, किसी दिन कुछ, मतलब डिफरेंट हर दिन रहता है स्नैक्स। तो आज कुछ ज़्यादा भूख लग रहा था, सो टुडे आई फेल्ट लाइक मेकिंग एग रोल। तो एक ही साथ मैं रात के लिए भी आटा मैंने मतलब गूंद लिया। तो yeah.
फ्रेंड्स देखते ही देखते मेरा पूरा दिन बीत गया एंड इट्स ऑलमोस्ट 6 o'clock इन द इवनिंग और अभी मैं अपना इवनिंग का जो पूजा है वो करने आ गई हूँ एंड इसी तरह से मेरा पूरा दिन बीतता है। नेक्स्ट वीडियो किसी वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूँगी मेरा इवनिंग टू मॉर्निंग रूटीन। एंड अभी फिर मेरा क्लिनिक का कुछ जितना भी सब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लाने हैं वो सब मैं लिस्ट आउट कर रही हूँ, कुछ कुछ जो छूटा हुआ है। सो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।